Assalamualaikum, वेलकम टू द ब्यूटी वर्ल्ड वी वर्ड्स. कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन. ये वीडियो है जी कोट्स एंड ब्लेजर्स की, जो है ओए होए कलेक्शन. आप देखते जाएं और ओए होए करते जाएं, कलर्स देख देख कर, इनके डिज़ाइंस देख देख कर, कुछ फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत ही खूबसूरत है. बड़े अच्छे आइडियाज़ गेन कर सकते हैं आप इस वीडियो से. अब क्योंकि आने वाला जो सीज़न है वो प्रॉपर कोर्ट्स का सीज़न है. आपको पता है कि जी, अब पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक कोई आज से कोई 6-7 साल 8 साल पहले मैंने एक बात सुनी थी, शायद कहीं पढ़ी थी. कोई अमेरिकन पर्सनालिटी थी या कोई बंदा था जो मौसम के हवाले से बड़ी उसकी रिसर्च थी. तो उसका कहना ये था कि जी 2020 के बाद जितने भी ठंडे मकामात हैं, वो जिन्हें दुनिया में जितनी भी ठंडी जगहें हैं जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, वो और मज़ीद ठंडे हो जाएंगे, और जो ऐसे इलाके हैं जहाँ गर्मी पड़ती है वो ठंडे होते जाएंगे. यानी 2030-2040 के बीच का जो वक्त होगा, जो साल होंगे, उसमें गर्मी बहुत कम से कम हो जाएगी दुनिया में. यानी गर्मी का दबाव जो है, गर्मी का जो शिद्दत होगी वो कम से कम होती जाएगी दुनिया में. तो उस लिहाज से अगर आप सोचें तो ये आने वाला वक्त जो है वो कोट्स के बगैर गुजारा होगा नहीं. जर्सियाँ, स्वेटर्स वगैरह से कोई गुजारा नहीं होगा, तो आपको यही कोट्स बनाने पड़ेंगे. सो इस वीडियो से लें आप आइडियाज़ और बनाएं अपने अच्छे अच्छे कोट्स, बहुत ही खूबसूरत कलर्स के साथ, बहुत ही अच्छे फैब्रिक के साथ, बड़ा और लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं, मज़ेदार से कलर्स हैं. और क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी मैसेजेस के अंदर, लोगों ने अपनी डिमांड्स की हुई थी कि जी सर्दियों के हिसाब से कुछ हमें फैशन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स दें. तो ये है वीडियो आप लोगों के सामने. और मज़ीद क्योंकि मौसम ज़ाहिर ठंडा होता जाएगा, तो आपको ठंडे ठंडे मौसम के हिसाब से ही कपड़ों की वीडियोस दिखाई जाएंगी. वीडियो को एंड तक एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें. और कमेंट सेक्शन में आके अपनी सजेशन भी दें और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें कि आप मज़ीद इस चैनल पर क्या क्या देखना चाहते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें. थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूटी वर्ल्ड. जज़ाकअल्लाह.